दस दिए कि करोना की लाग एक बार फिर दिल्ली के बुरे तरीके फैलना शुरू हो गई है। लगातार एक्टिव केसा की गिनती जी वधी जा रही है, मरीजों की गिनती जी वधी जा रही है। 10,000 तो सिलसिला शुरू होंदा पिछले हफ्ते, अज 25,000 तो वध जिहड़े आ दिल्ली दे विच केस आने शुरू हो गए ने रोज़ाना। दस दिए हुण दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते LG अनिल बैजल की सांझी बैठक हुंदी है, जिस नूं लैके दिल्ली दे हालातों ते गलबात हुंदी है, बैठक हुंदी है, फैसला लिया जांदा है। दस दिए कि हुण दिल्ली दे विच अज सोमवार देर रात तो एक हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली दे विच लगाया जा रहा। बिल्कुल छोटा लॉकडाउन जिहड़ा हुण दिल्ली दे विच लगाया जा रहा, अगले सोमवार तक, यानी कि अज 19 अप्रैल तो लैके अगले सोमवार 26 अप्रैल तक दिल्ली दे विच लॉकडाउन रहेगा। इस दी होर सिलसिलेवार जानकारी लई दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस राही होर गाइडलाइन जिहड़ियां ने प्रशासन नाल सलाह करके जारी करनगे। एसेंशियल सर्विस नूं लैके, एमरजेंसी सर्विस नूं लैके किस तरीके की रूपरेखा होएगी, की टाइम टेबल होएगा, वो सारा जिहड़ा वेरवा दिता जाएगा। दस दिए कि दिल्ली दे विच ऑक्सीजन की भारी कमी भी हस्पतालों दे विच दसी जा रही है और ICU बैडा की कमी भी लगातार होंदी जा रही है। करोना के केस जिस हिसाब नाल वध रहे ने, स्थिति नूं देखते हुए दिल्ली दे विच कम्यूनिटी हॉल, ऑडिटोरियम अते विआह शादी के हॉलों नूं हस्पतालों के भी तब्दील किया जा रहा है, बैड लगाए जा रहे हैं, एमरजेंसी सहूलत उत्थे लगाई जा रही ने, ताकि किसी तरीके की कमी जी दिल्ली विच ना हो सके। लेकिन जिस तरीके बैडा की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस हिसाब के नाल लोगों लगातार दिल्ली सरकार भी सुचेत कर रही है। असं भी अपने चैनल के माध्यम राही लगातार लोगों को कहेंगे, अपील करांगे कि अपने घर रहा जाए, लॉकडाउन की पूरी पालना की जाए। जेकर छोटा लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने फैसला लिया लगाउण दा, ते इहदी चंगी तरह पालना की जाए, बिना वजह करो बाहर ना निकलिया जाए, बिना कारण करो ना निकलिया जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए। इतने सब तो वड्डी गल गौर करने वाली ये भी है कि नवा स्ट्रेन जिहड़ा करोना का फैलिया होया, उसनू लैके बड़ी वड्डी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी घातक साबित हो रहा नवा स्ट्रेन डॉक्टरों की मनीए, तो नौजवान पीढ़ी और बच्चों का खास करके हुण ध्यान रखने की लोड़ है, क्योंकि इन्हों नवा स्ट्रेन जिहड़ा है काफ़ी घातक साबित हो सकता है इन्हों, इस करके जिहड़ा है ध्यान रखने की लोड़ है। और नाल ही असी लगातार जिस तरीके पिछले लंबे समय दौरान पिछले साल भी करोना के नाल फ्रंट लाइन पर रह के सफाई कर्मचारियों ने, मीडिया कर्मियों ने, पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, अते होर डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, जिस तरीके फ्रंट लाइन पर मिलकर असी काम किया, एक बार फिर करांगे सही स्पष्ट जानकारी, अफवाहों तो दूर तुहानू रखांगे, सही खबर, सटीक जानकारी देवांगे, मदद की जाएगी लगातार कि किस तरीके नाल किसी भी अफवाह के उत्ते गौर ना की जाए, कोई इस तरीके का काम नहीं किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी मजदूर जिहड़े आ पलायन होने शुरू हो गए सीगे, काफ़ी नुकसान होया सी, मजदूरों की मौत हुई सी। इस नूं लैके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्ना भी कहा कि मजदूरों नूं हुण पलायन होने की लोड़ नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा, उन्होंने वास्ते भी जिहड़ा है ध्यान रखा जाएगा, राशन पानी का इंतजाम किया जाएगा, उन्होंने रहने का इंतजाम किया जाएगा जेकर किसी दिक्कत आती है। पर हुण दिल्ली तो मजदूर जिहड़े आ वो पलायन ना करन, सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा, ताकि स्थिति जिहड़ी है थोड़ी काबू च आ सके। असीं भी लगातार लोगों को सूचित करांगे कि अपने घरां दे विच रहा जाए, लॉकडाउन की पालना की जाए, और कोई भी ऐसी अफवाह ना अनसुखावी घटना हो सके, इस करके किसी भी अफवाह पर गौर ना किया जाए। जब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी होंगी, कोई जरूरी काम नहीं होंदा, तो घरों बाहर ना निकलिया जाए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखा जाए। कैमरा परसन करणजीत सिंह के नाल दविंदर सिंह, D5 चैनल पंजाबी दिल्ली। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो।